आज मैं आपके साथ मज़ेदार से बीफ सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, कितने जूसी और लचकदार बीफ कबाब बन के हमारे तैयार हुए हैं। जिन लोगों के कबाब सीख पे टिकते नहीं हैं, सीख से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उन सब के लिए साथ साथ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से इसी तरह के ज़बरदस्त किस्म के 100% परफेक्ट सीख कबाब आप बना के तैयार कर सकते हैं घर पे बड़ी ही आसानी से, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। देखें कितने जूसी, कितने लचकदार कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 4 अदद प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, उन्हें बारीक चॉप करने के बाद अच्छी तरह से देखें उनका पानी इस तरह नेट में डाल के निचोड़ लिया है। अब यहाँ पे मैंने 850 ग्राम गोश्त और 150 ग्राम चर्बी ली थी, उसे अच्छे से पहले वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के सारा पानी उसका खुश करने के बाद कीमा पीस लिया है। कीमा बनाने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी धोना नहीं है, तो इस तरह का रूखा कीमा बिल्कुल आपको चाहिए पानी के बगैर वाला। अगर किसी के पास चॉपर ना हो तो वो इस कीमे को 2 दफ़ा मशीन से निकलवा ले, यानी बारीक पिसवा ले। अब इसके अंदर 5-6 सब्ज़ मिर्चें, 2 चम्मच सब्ज़ धनिया और 1 चम्मच पुदीना बारीक काट के मैंने डाल दिया है। आप मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं क्योंकि इसने चॉप ही तो होना है। प्याज थे मेरे पास जो 4 अदद, उनका मैंने अच्छे से अपने को पानी निचोड़ लिया था नेट में डाल के, खुशक कर लिए थे प्याज, पानी अच्छे से निकाल लिया था नेट में डालने के बाद, और अब इनको मैं शामिल कर दूंगी। प्याज भी मैंने चारों डाल दिए हैं। साथ 1 टेबल स्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक, हल्दी 1/4 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून बुना हुआ कुटा हुआ, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून बुना हुआ कुटा हुआ, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये तमाम मसाला जात मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब एंड पे मैं 1 टेबल स्पून मोटा मोटा दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया इसमें मज़ीद शामिल करूँगी, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाबों में। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धड़ा मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और साथ ही 2 टेबल स्पून घी इसमें ऐड करना है, कुकिंग ऑयल नहीं सिर्फ घी ही इस्तेमाल करना है। तो ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब इसका कवर बंद करूँगी चॉपर का, और मैं इसे अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी, बिल्कुल फ़ाइन यानी बारीक चॉप कर लूँगी। और अगर किसी के पास चॉपर ना हो तो वह बारीक कीमा पिसवा के उसमें ये तमाम चीज़ें बारीक बारीक शामिल करके हाथ से अच्छे से मिक्स कर ले। तो देखें तमाम चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से चॉप हो गई हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी, और इस सारे मटेरियल को एक बर्तन में निकाल लिया है मैंने। अब इसे 1 घंटे के लिए मैं मैरिनेशन के लिए रख लूँगी फ्रिज में, और इससे एक तो मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा कबाब जो उनसे हैं वो सीख से गिरेंगे नहीं, बहुत अच्छे से सीख पे टिक जाएंगे। तो 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ऊपर देखिए मैंने कवर लगा दिया प्लास्टिक का अच्छे से, इसे एयर टाइट कर दिया ताकि इसमें नमी ना जाने पाए, और अब इसमें 1 घंटा फ्रिज में रख के फिर निकालती हूँ। तो देखें 1 घंटे के बाद मैंने अपना जो कीमा था फ्रिज से निकाल लिया है, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा कीमा लूँगी और आपको सीख पे लगाना बताती हूँ। हाथ में रख के अच्छी तरीके से इसे इस तरह से प्रेस करना है, थोड़ी लंबी सी इस तरह शेप बना के अब इसके अंदर से सीख को गुजारना है। मेरे पास तिक्के वाली सीखें थी, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास कबाबों वाली हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आसानी से मिल जाए। अब हाथ से इस तरीके से दबा के इस कबाब को लंबाई के रुख में फैलाते जाना है नीचे की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये देखें इस तरीके से इसे सीख के ऊपर अच्छे से करना, और इसका सिरा देखें, ये वाला जो किनारा है ना इसका बिल्कुल एंड वाला, इसे अच्छे से लॉक करना है, यानी इस तरह से इसे सील बंद कर देना है, अच्छे से चिपक जाए। ये देखें इधर से भी, जिन लोगों के कबाब सीख से गिरते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो इसके किनारे बंद नहीं करते, यानी इसके दोनों सिरे जो हैं अच्छे से बंद नहीं करते, तो जिसके से उसके अंदर एयर जाती है और कबाब जो है नीचे गिर जाता है सीख से। अच्छे से देखें दोनों सिरे मैंने इसके लॉक कर दिए यानी बंद कर दिए दबा के। अब इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी हाथ से दबाते हुए। तो ये देखें मेरा एक कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैंने अपने तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं। अंगीठी में मैंने जो कोयले थे उनको अच्छे से गर्म कर लिया है, दहका लिया है, और अब सारे कबाब देखें मैंने इस तरह से अंगीठी के ऊपर रख दिए हैं और एक साइड से पक गए हैं, तो उनकी साइड को चेंज कर दूँगी। तो देखें व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त कबाब मेरे बन के तैयार हो रहे हैं, ना तो उसको इस कबाब सीख से गिरा है,
ना टूटा है और ना ही कोई किसी किस्म का मसला हुआ है। अब थोड़ा सा ब्रश के साथ मैं ऑयल लगाऊंगी जो एक साइड पक चुकी है उस साइड पे। तो ब्रश के साथ जब ऑयल लगाऊंगी, एक तो ये इसमें अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा, दूसरा फ्लेवर आएगा इसमें स्मोकी सा, क्योंकि जैसे ही ऑयल कोयलों पे गिरेगा तो देखें किस तरह से स्मोक उनसे उठ रहा है। थोड़ी थोड़ी मैं ऐसे हाथ वाले पंखे से हवा भी दे रही थी और ये देखें बहुत अच्छे से हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके कबाब कभी भी सीख से ना गिरेंगे, ना टूटेंगे और ना ही ख़राब होंगे। ये देखें कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, तो मैं जो तैयार हो गए हैं उनको उतार लूँगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने मज़ेदार कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं और मैरिनेशन के बाद व्यूअर्स इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़े से रह गए हैं, इनको भी मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखें तमाम कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक सीख से उतार के दिखाती हूँ। पहले सिरे से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों सिरे जो हमने लॉक किए थे इनको अच्छे से फ्री करवा के, तो देखें कबाब सीख से उतार लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत जूसी लचकदार कबाब हमारा बन के तैयार हुआ है। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर तक पका हुआ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बीफ सीख कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।